हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए कम तेल में बना हुआ साबुदाना वड़ा बनाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और इसका टेस्ट बिल्कुल तले हुए साबुदाना वड़ा जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। साबुदाना वड़ा बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ मैंने आधा कप साबुदाना 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था और 3 से 4 बार मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। 3 बॉईल आलू लिए हैं। घी लिया है मैंने यहाँ पर ग्रीस करने के लिए। सेंधा नमक लिया है। बारीक कटी हरी मिर्ची लेंगे। जीरा, नींबू का रस लिया है। यहाँ मैंने आधा कप मूंगफली के दाने लिए थे। इसको रोस्ट करके इसका छिलका निकाल के दरदरा पीस लिया है। इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल दरदरा पीसना है। यहाँ काली मिर्च ली है मैंने। अब हम इन बॉयल आलू जो लिए हैं इनको ग्रेट कर लेंगे ताकि कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहे। अगर आलू ज़्यादा पका हुआ है तो इसको ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हाथों से ऐसे ही मैश कर सकते हैं। इसी तरह बाकी आलूओं को भी ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। जीरा डाल दिया है मैंने। सेंधा नमक डाल दूंगी। बारीक कटी हरी मिर्ची डाल दूंगी। काली मिर्ची का पाउडर, नींबू का रस भी डाल देंगे और लास्ट में जो ये मैंने मूंगफली का पाउडर दरदरा तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। मिला लेंगे इन सब चीजों को। इसे बिल्कुल डो की तरह तैयार करना है। आप चाहे तो इसको स्पून से मिलाइए या फिर हाथों से भी अच्छी तरह मैश करके इसको मिला सकते हैं। देखिए यह एक डो की तरह तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा हथेलियों पे घी लेके इसको अपर मोल्ड का जो हमारा साइज है उस साइज की बॉल्स तैयार कर लेंगे। इस तरह से मोल्ड के साइज की एक बॉल तैयार कर ली है मैंने। इसी तरह से बाकी बॉल्स भी तैयार कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अपम पैन लेंगे। अपम पैन के सभी मोड़ में हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि वड़े हमें यहाँ पे न चिपके। अब एक एक बॉल्स उठाएंगे और मोल्ड में रखते जाएंगे। इस तरह सारी बॉल्स रख दी है। अब हम ढक के इसको 6 से 7 मिनट के लिए सिकने देंगे। बीच में चेक करते जाएंगे। 7 मिनट हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। वड़े हमारे इस तरफ से सिक्के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे। सभी वड़ों को पलट लेंगे और फिर से इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके घी या ऑयल लगाएंगे और फिर से ढक के 6 से 7 मिनट के लिए सिकने देंगे। चेक कर लेंगे बीच में। 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए वड़ा हमारा इस तरह से सिक्के तैयार हो गया है। हमारा साबुदाना वड़ा बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।